एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपको ईआरटीके में ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज ए महासिद्धा एज पर हठ योगा सूत्र, कौन सा महासिद्धा नहीं है हठ योगा सूत्र के अनुसार? नंबर ए कपाली, नंबर बी कपालिका, नंबर सी बुद्धा और नंबर डी मतेश्चंद्र। कौन जो है महासिद्धा नहीं है हठ योगा सूत्र के अनुसार? तो आंसर है बुद्धा। बुद्धा इज नॉट ए मते नॉट ए महिसिद्धा एच पर हठ योगा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड गुरु मीन्स रिमूवर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड गुरु मीन्स रिमूवर ऑफ, नंबर ए डार्कनेस, नंबर बी लेजीनेस, नंबर सी एंगर, नंबर डी लाइट। द वर्ड गुरु मीन्स रिमूवर ऑफ द डार्कनेस। गुरु मीन्स जो डार्कनेस को हटाता है, गुरु मीन्स दिस द रिमूवर ऑफ द डार्कनेस, रिमूवर ऑफ द डार्कनेस। Who is an enlightened master? Who is an enlightened master? Maharshi Vasishtha, Maharshi Vishwamitra, Maharshi Patanjali, all of the above. Who is enlightened master? Maharshi Vasishtha, Maharshi Vishwamitra, Maharshi Patanjali, all of the above. Enlightened master. Answer is the all of the above. Maharshi Vasishtha enlightened master थे, Maharshi Patanjali enlightened master थे, Maharshi Vishwamitra enlightened master थे। Answer है all of the above. Sir. हाँ बोलिए। Sir वो आपने जो mail आई मैंने मेल कर दिया जो फिफ्थ एमसीक्यू टेस्ट था। हाँ तो आपने भेज दिया है, ठीक है, वो हम उसको करेक्ट करके भेज देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, उसको हम जो है उसको भेज देंगे, है ना। तो आज मेल चेक करेंगे तो आपको भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा ऑफ सिंथेसिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच योगी। योगा ऑफ सिंथेसिस किस योगी का कंट्रीब्यूशन है? नंबर ए श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, श्री योगानंद, श्री चैतन्यानंद, श्री चैतन्य। योगा ऑफ सिंथेसिस श्री अरविंदो का कंट्रीब्यूशन है, योगा ऑफ द सिंथेसिस श्री अरविंदो का कंट्रीब्यूशन है, yoga of the synthesis is contribution of the Sri Aurobindo. Next question hai, ashtang yoga of patanjali is otherwise known as which yoga as per swami vivekananda? Swami vivekananda ke anusar ashtang yoga of patanjali ko किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए भक्ति योगा, नंबर बी राज योगा, नंबर सी कर्म योगा, नंबर डी ज्ञान योगा। आंसर है राजा योगा। अष्टांग योगा और पतंजलि को राज योगा के नाम से भी आपको जाना जाता है। राज योगा के भी नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वृत्ति, कौन आपको वृत्ति नहीं है? नंबर ए प्रमाणा, नंबर बी विकल्पा, नंबर सी विवेका, नंबर डी निद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विकृति, तो आंसर है विवेका। विवेका इज नॉट द विकृति, विवेका इज नॉट द
विकृति. By cultivating attitude of the friendless towards the happy and compassion towards the unhappy, the mind retains its disturbed calmness. The mind retains its undisturbed disturbed calmness. The mind will be preoccupied with the thoughts. The mind will be preoccupied with the emotions. By cultivating attitude of the friendless towards the happy and compassion towards the unhappy, the answer is the mind retained its undisturbed calmness. The mind retained its undisturbed calmness. Next question, which of the following is a klesha according to Patanjali? Klesha kaun hai Patanjali ke anusar? नंबर ए थाउट्स, नंबर बी अभ्यासा, नंबर सी आरंभा और नंबर डी आरोग्य. क्लेशा पतंजलि के अनुसार थाउट्स जो है आपको क्लेशा कहलाता है पतंजलि के अनुसार. हु ऑथर्ड द श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम का ऑथर कौन है? नंबर ए विश्वामित्रा, नंबर बी वेद व्यासा, नंबर सी वशिष्ठा, नंबर डी विदुरा. श्रीमद् भागवतम का जो ऑथर जो है आपको वेद व्यास है. वेद व्यास मुनि श्रीमद् भागवतम को आपने लिखा था. When the result of deed not expected, it is called भक्ति योगा, बी क्रिया योगा, नंबर सी राज योगा, नंबर डी कर्म योगा. When the result of a deed is not expected, it is called भक्ति योगा, बी क्रिया योगा, सी राज योगा, डी कर्म योगा. When the result of a deed is not expected, it is called कर्म योगा. When the result of deed is not expected, it is called karm yoga. इसको कर्म योगा कहा जाता है, है ना? कर्म योगा का मतलब है the result of deed is not expected is called karm yoga. इसको कर्म योगा कहा जाता है. Swatrama belongs to which section? Nath परंपरा, अष्टांग परंपरा, घिरांदा परंपरा, पतंजलि परंपरा. स्वत्वरामा किस सेक्शन में बिलोंग करता था? तो आंसर है नाथ परंपरा. नाथ परंपरा में आपको बिलोंग करता था स्वत्वरामा. नाथ परंपरा में आपको बिलोंग करता था स्वत्वरामा. अष्टांग परंपरा नहीं है, पतंजलि परंपरा नहीं है, घिरांदा परंपरा नहीं है. नाथ परंपरा में आपको सत्वरामा बिलोंग करता था. मिताहारा इन हठ योगा मीन्स? मिताहारा इन हठ योगा मीन्स नंबर ए लिटिल ईटिंग, नंबर बी नाइदर ओवर ईटिंग नॉर अंडर ईटिंग, नंबर सी अंडर ईटिंग, नंबर डी ओनली ओवर ईटिंग. मिताहारा इन द हठ योगा मीन्स neither overeating nor undereating. Mitahara in the Hatha Yoga means neither overeating nor undereating. Next question hai, what moves when prana moves according to Hatha Yoga? क्या मूव करता है जब प्राणा मूव करता है अकॉर्डिंग टू द हठ योगा? नंबर ए मानस, नंबर बी माना शक्ति, नंबर सी चेता, नंबर डी बुद्धि. आंसर इज द माना शक्ति. व्हाट मूव्स व्हेन द प्राणा मूव्स अकॉर्डिंग टू द हठ योगा? हठ योगा के अनुसार जब प्राणा मूव करता है तो आपको क्या कहलाता है? तो आंसर है माना शक्ति.
माना शक्ति मूव्स व्हेन द प्राणा मूव्स अकॉर्डिंग टू द हठ योग माना शक्ति फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए नंबर ए लंग नंबर बी हार्ट नंबर डी किडनी नंबर डी लिवर फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर फिल्ट्रेशन जो है लीवर का प्राइमरी फंक्शन है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन लीवर का प्राइमरी फंक्शन है फिल्ट्रेशन इज द वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसना इज गुड फॉर क्रोनिक लो बैक पेन क्रोनिक लो बैक पेन के लिए कौन सा आसन आपको अच्छा है नंबर ए धनुर्षासन नंबर बी भुजंगासन नंबर सी चक्रासन नंबर डी हलासन तो आंसर है भुजंगासन क्रोनिक लो बैक पेन के लिए भुजंगासन आपको बेटर है क्रोनिक लो बैक पेन के लिए भुजंगासन आपको बेटर है जब क्रोनिक लो बैक पेन हो तो भुजंगासन करना चाहिए आपको भुजंगासन आपको आपको बेटर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द सात्विक फूड में कौन सा क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करता है नंबर ए स्पाइसी हॉट बिटर सॉर एंड पंजेंट नंबर बी प्योर एसेंशियल नेचुरल वाइटल एनर्जी एंड कंटेनिंग नंबर सी अननेचुरल ओवरकुक्ड स्टेट लेफ्ट ओवर प्रोसेस्ड फूड नंबर डी नन ऑफ द अबव आंसर है प्योर एसेंशियल नेचुरल वाइटल एनर्जी कंटेनिंग ये आपको सात्विक फूड कहलाता है ये आपको सात्विक फूड कहलाता है प्योर एसेंशियल नेचुरल वाइटल एनर्जी कंटेनिंग विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ द कॉग्निशन नंबर ए परसेप्शन नंबर बी अटेंशन नंबर सी मेमोरी नंबर डी स्लीपिंग कॉग्निशन का प्रोसेस नहीं है नंबर डी स्लीपिंग कॉग्निशन का आपको प्रोसेस नहीं है स्लीपिंग आपको कॉग्निशन का प्रोसेस आपको आपको नहीं है व्हाइल अरेंजिंग योर योगा क्लासरूम स्टूडियो हॉल इन जनरल व्हाट बैकग्राउंड साउंड विल यू प्रिफर अमोंग द फॉलोइंग नंबर ए गुड रैथमिक म्यूजिक नंबर बी सूथिंग एंड मेडिटिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नंबर सी साइलेंस एंड नंबर डी साउंड्स ऑफ द नेचर वाटर वर्ड्स वाइन साउंड्स आंसर है सी साइलेंस जब योगा क्लासरूम करते हैं स्टूडियो हॉल करते हैं तो बैकग्राउंड साउंड आपको साइलेंस आपको ज्यादा प्रिफर है साइलेंस को ज्यादा प्रिफर करते हैं साइलेंस होना चाहिए इन ए ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन कैन बी बेस्ट एंटरटेन एट व्हाट टाइम ग्रुप डिस्कशन में कब जो है क्वेश्चन को एंटरटेन करना चाहिए व्हाइल रिलैक्सिंग बिटवीन द टू प्रैक्टिसेस नेक्स्ट डे व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस नॉट नेसेसरी टू एंटरटेन क्वेश्चन कीपिंग द प्रैक्टिस आंसर है व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस इन ग्रुप डिस्कशन में While doing the practice, आप क्वेश्चन को एंटरटेन करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस एज पर योर सेटिस्फैक्शन हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट एक स्टूडेंट
सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करता है तो हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट. नंबर ए फोर्स द स्टूडेंट बाय अप्लाइंग फिजिकल प्रेशर ऑन द बॉडी. नंबर बी इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस. नंबर सी आस्क हिम टू प्रैक्टिस एट ऑल. नंबर डी इग्नोर द स्टूडेंट. ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस एज पर योर सेटिस्फैक्शन देन इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस. इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव ए पेशेंस एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस शुड बी. योगा प्रैक्टिस के लिए आपको ड्रेस किस तरह का होना चाहिए. टाइट फिटिंग जींस, कॉस्टली एंड सोफिस्टिकेटेड ड्रेसेस, प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम हेड टू टो, लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल. ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस के लिए लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल आपको ड्रेस होना चाहिए. ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस के लिए लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा. नंबर ए जून 20, नंबर बी जून 21, नंबर सी जून 22, नंबर डी जून 23. इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा किसको सेलिब्रेट किया जाता है. आंसर है जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा आपको सेलिब्रेट किया जाता है. योग सूत्रा कंपाइल्ड बाय हुम. नंबर ए पतंजलि, नंबर बी गिरांदा, नंबर सी सत्व रामा, नंबर डी नन ऑफ द एबव. योग सूत्रा किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया था. नंबर ए द पतंजलि. योग सूत्र पतंजलि के द्वारा कंपाइल किया गया. योग सूत्र आपको पतंजलि के द्वारा आपको कंपाइल किया गया. Which of the following practice leads to the immortality? According to the Isa Vyo Upanishad, Isa Vyas Yo Upanishad ke anusar, kaun si practice leads to the immortality? Number A, Vairagya, number B, Viveka, number C, Vidya, and number D, Visya. So answer hai number C, Vidya. कौन सा प्रैक्टिस लीड्स टू द इमोटोलिटी. आंसर है विद्या आपको इमोटोकिटलिटी के तरफ ले जाता है. नेम द टाइटल ऑफ द बुक कंपाइल्ड बाय डॉक्टर इमरान चौधरी एंड अभिजीत सिंह पब्लिश्ड बाय द मुस्लिम राष्ट्रीय मंच. डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक का नाम है नंबर ए योगा एंड इस्लाम, इस्लामिक योगा, योगा फॉर ऑल, कर्म योगा. आंसर है योगा एंड इस्लाम. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा डॉक्टर इमरान चौधरी एंड अभिजीत सिंह के द्वारा पब्लिश किया गया बुक का नाम है योगा एंड इस्लाम. योगा और इस्लाम को डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आपको पब्लिश किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ द योगा बाय द शिवानंदी. वन ऑफ द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ द योगा बाय द शिवानंदी. नंबर ए सवासना, नंबर बी भक्ति, नंबर सी जना, नंबर डी तंत्र.
Five principles of the yoga is the savasana. Five principles of the yoga is the savasana. One of the five principles of the yoga by the Shivandi is the savasana. The appropriate amount of the time to wait after a meal before beginning a yoga practice is how much time? Khana khane ke baad appropriate time kya hai yoga ko shuru karne ka? Number A 30 minutes, number B 60 minutes, number C 90 minutes, number D 2 hours. Answer is the 90 minutes. Meal ko shuru karne ka, meal ke baad yoga प्रैक्टिस शुरू करने का जो एप्रोप्रिएट टाइम है 90 मिनट्स का है. नाइन्टी मिनट के बाद जो है मील के बाद योगा आपको शुरू करना चाहिए. योगा प्रैक्टिस मील के बाद आपको शुरू करना चाहिए. Every yoga teacher must start the practice session with the number A pranayama, number B asana, or number D kriya, or number D silence. Every yoga teacher must start the practice session with the asana. Answer is the asana. Har ek yoga teacher जो अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करे वो आसना के साथ में आपको स्टार्ट करे. एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विद द आसना. आसना के साथ में आपको स्टार्ट करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द योगा गुरु ऑफ द स्वामी कुलवानंदा. स्वामी कुलवानंदा का योग गुरु आपको कौन है? नंबर ए पताभी जोयस, नंबर बी टी कृष्णमाचार्य, नंबर सी माधव दास, नंबर डी योगेंद्र. योगा गुरु ऑफ द स्वामी कुलवानंदा, स्वामी कुलवानंदा का योगा गुरु कौन है? आपको आंसर है माधवदास. माधवदास उसका आपको आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स काली रे त्रियोगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स काली रे त्रियोगा. काली रे त्रियोगा किसको डिस्क्राइब करता है? नंबर ए इट पुट्स इम्फेसिस ऑन द प्रॉपर ब्रीथ alignment, coordination of the breath and movement and ordering the wisdom of the body. Number B, it puts equal emphasis on the pranayama, meditation and the asana. Number C, it brings posture, breath and focus together to create dynamic and intuitive flows. Number C, number D, it focuses on the controlled release of the kundalini energy. Kali Re Triyo Yoga. काली रे त्रियोगा किसको डिस्क्राइब करता है? इट ब्रिंग्स पोस्चर ब्रीथ एंड फोकस टुगेदर टू क्रिएट द डायनेमिक एंड इंट्यूटिव फ्लो. काली रे त्रियोगा इसी को डिस्क्राइब करता है. इट ब्रिंग्स पोस्चर ब्रीथ फोकस टुगेदर टू क्रिएट डायनेमिक इंट्यूटिव फ्लो. इसी को डिस्क्राइब करता है काली रे त्रियोग. हु कंपाइल्ड हठ योगा प्रदीपिका. हठ योगा प्रदीपिका को किसने कंपाइल किया है? नंबर ए पतंजलि, नंबर बी घेरांदा, नंबर सी सत्तुरामा एंड नंबर डी नन ऑफ द अबव. हठ योगा प्रदीपिका को सत्तुरामा ने कंपाइल किया हुआ है.
हठ योग प्रदीपिका को स्वतु रामा ने कंपाइल किया। विच इज द संस्कृत रूट भर फॉर्म ऑफ द इटमल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा, विच इज द संस्कृत रूट और वर्ब फॉर्म फॉर द इटमल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। वर्ड योगा का संस्कृत रूट फॉर्म क्या है? नंबर ए युग, नंबर बी यूज, नंबर सी यूज, नंबर डी यूज। आंसर इज द सी यूज। योगा का संस्कृत रूट भर फॉर्म आपको यूज है। डिफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू द कठोपनिषद इज, कठोपनिषद के अनुसार योगा का डिफिनेशन क्या है? कंट्रोल ऑन माइंड, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट, कंट्रोल ऑन बॉडी एंड माइंड। कठोपनिषद के अकॉर्डिंग योगा का जो डिफिनेशन है, कंट्रोल ऑन द सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट। कंट्रोल सेंस ऑर्गन, माइंड एंड इंटेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उपनिषद डिस्क्राइब द सांदिल्य विद्या, सांदिल्य विद्या को किसने डिस्क्राइब किया है? नंबर ए कठोपनिषद, नंबर बी विरुद्धको उपनिषद, नंबर सी आत्रेयो उपनिषद एंड नंबर डी छंदोग्यो उपनिषद। सांदिल्य विद्या को किसने डिस्क्राइब किया हुआ है, किस उपनिषद में आपको डिस्क्राइब किया गया है? आंसर है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में आपको सांदिल्य विद्या को डिस्क्राइब किया गया है। सांदिल्य विद्या को छंदोग्य उपनिषद में आपको डिस्क्राइब किया गया, छंदोग्य उपनिषद में आपको डिस्क्राइब किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बहुजीकरण प्राणायाम इज डिस्क्राइब, किसमें भुजंगा किरण प्राणायाम डिस्क्राइब किया गया है? भू जंगी किरण प्राणायाम किसमें डिस्क्राइब किया गया है? भुजंगी किरण प्राणायाम कहां डिस्क्राइब किया गया है? नंबर ए योगा वशिष्ठा, नंबर बी शिवा समाहिता, नंबर डी हथा रत्नावली, नंबर डी सिद्धा सिद्धांता पदाति। आंसर है हठा रत्नावली में भुजंगी किरण प्राणायाम को डिस्क्राइब किया गया। समादोष समग्रीचा समंदु मार्क्रिया आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्वास्थ्य अकॉर्डिंग टू द विच आचार्य ऑफ द आयुर्वेद। समदोष समगच्छी समातु मलक्रिया, समदोष समगच्छी समधु मलक्रिया आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्वास्थ्य अकॉर्डिंग टू आचार्य ऑफ द आयुर्वेद। आचार्य चक्र, आचार्य सुसूत्र, आचार्य कश्यप, आचार्य भगवत। आंसर है आचार्य सुसूत्र। आचार्य सुसूत्र के अकॉर्डिंग ये आपको स्वास्थ्य का आचार्य सुशस्त्र अकॉर्डिंग ये स्वास्थ्य का आपको ये करेक्टरिस्टिक्स आपको बताया गया है।
व्हाट इज द मेन थ्योरेटिक बेनिफिट ऑफ द कपाल भाती प्रैक्टिस? कपाल भाती प्रैक्टिस का मेन थ्योरेटिक बेनिफिट क्या है? नंबर 8, टू रिमूव द कफा डिसऑर्डर, टू रिमूव द पित्ता डिसऑर्डर, टू रिमूव द वत्ता डिसऑर्डर, टू रिमूव द वत्ता पित्ता डिसऑर्डर। कपाल भाती प्रैक्टिस करने का मेन प्रैक्टिस, मेन बेनिफिट आपको रिमूव कफा डिसऑर्डर निकालने का है। कफा डिसऑर्डर आपको उससे, आपको कपाल भाती प्रैक्टिस से आपको ठीक होता है। कपाल भाती प्रैक्टिस से टू रिमूव द कफा डिसऑर्डर आपको ठीक होता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर प्रैक्टिस ऑफ द कुंभका प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका? कुंभ का प्राणायाम करने का रिकमेंडेड टाइम पीरियड आपको कौन सा है? नंबर ए बिफोर सनराइज, एंड नंबर बी आफ्टर सनसेट, नंबर सी मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम, नंबर डी मॉर्निंग मिड डे एंड इवनिंग मिड नाइट। कुंभ का प्राणायाम करने का हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कौन सा समय है? कुंभ का प्राणायाम अकॉर्डिंग टू द हथा प्रदीपिका, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हाट टाइम, मॉर्निंग मिड डे इवनिंग एंड मिड नाइट। कुंभ का प्राणायाम आपको कभी भी किया जा सकता है, मॉर्निंग में किया जा सकता है, मिड डे में किया जा सकता है, इवनिंग में किया जा सकता है, मिड नाइट में आपको किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द हथा प्रदीपिका। हत्था प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कुंभ का प्राणायाम आपको कभी भी आपको किया जा सकता है। द योगा क्लास यूजुअली बिगिंस विथ ए प्रेयर। योगा क्लास यूजुअली बिगिंस विथ ए प्रेयर। योगा क्लास आपको प्रेयर के साथ में आपको आपको शुरू होता है योगा क्लास।